नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पर वापसी के लिए आपका स्वागत है। आज हम हिमाचल प्रदेश के जरिए हमारे अविश्वसनीय पारिवारिक रोमांच के बारे में एक सीरीज शुरू कर रहे हैं। ये क्षेत्र गर्मियों की छुट्टियों के लिए सचमुच स्वर्ग है, खासकर अगर आप परिवार के साथ यात्रा कर रहे हैं। और आप सभी रोड ट्रिप के शौकीनों के लिए जरा सुनिए, अहमदाबाद से मनाली का सफर अब और भी आसान हो गया, जिससे यह हिमाचल प्रदेश को अपनी रफ्तार से घूमने का बेहतरीन तरीका बन गया है। हमने पूरे दो हफ्ते मनाली और शिमला की खूबसूरती को समेटने के लिए समर्पित करने का फैसला किया। इसे एक मजेदार रोमांच बनाने के लिए हम बिना किसी सामान की पाबंदी के अपनी मारुति अर्टिगा में सवार हो गए। आरो अपने सभी पसंदीदा खिलौने लाया, माँ ने कार को स्वादिष्ट घर के बने खाने से भर दिया, और यात्रा में थोड़ी मिठास घोलने के लिए हमने गुजरात की प्रसिद्ध केसर आम का एक डिब्बा भी पैक कर लिया। हम सुबह लगभग 5 बजे अहमदाबाद से निकल पड़े। नाश्ते और दोपहर के भोजन के लिए सिर्फ 2 छोटे ब्रेक और दोपहर में थोड़ा आराम के साथ हमने प्रभावशाली 1200 किलोमीटर का सफर तय किया। उसी दिन रात 8 बजे तक हम अंबाला पहुंच चुके थे। अगले दिन पेट भरकर नाश्ता करने के बाद हम अंबाला से निकले, और क्या हुआ, हम शाम 4 बजे मनाली पहुंच गए। हरी भरी वादियों और बियास नदी के साथ साथ हिमालय की वादियों के मजे लेते हुए मनाली पहुंच गए। हमने अगले 4 अविश्वसनीय दिन मनाली की पेशकश की, हर चीज को देखने में बिताए, और यह हमारे रोमांच का पहला अध्याय है। जैसे ही हम मनाली पहुंचे, आरोह की आंखें चमक उठी। गर्म हवा के गुब्बारे, ये उसके लिए एक सपने के सच होने जैसा था। सबसे ऊपर राजसी पहाड़ों और बर्फीले परिदृश्यों ने मनाली में प्रवेश करते ही हमारा स्वागत किया। यह मेरे छोटे साहसी और हम सभी के लिए एकदम सही स्वागत था। अपने होटल में चेक इन करने के बाद हमने मनाली और व्यापक हिमाचल प्रदेश क्षेत्र में करने के लिए रोमांचक चीजों पर चर्चा करने के लिए एक पारिवारिक बैठक की। हमने अगले 4 दिन मनाली घूमने में बिताने का फैसला किया, फिर तीर्थन और जलोरी की ओर ड्राइव करने का फैसला किया। मनाली में हमने जो सभी अद्भुत चीजें देखी और की, उनके बारे में विस्तृत ब्लॉग के लिए तैयार हो जाइए, बने रहे।